हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैंने रेड ब्लैक पर बेट करी है। और रेड ब्लैक पर दोस्तों मैंने अभी यहाँ पर रेड पे बेट कर रखी है। मैंने रेड पे क्यों बेट कर रखी है, क्योंकि देखिए पीछे का सीरीज देखिए, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक आ रखा 26। देखिए 26 ब्लैक है, 35 ब्लैक है, उसके बाद 16 रेड है, 19 रेड, सॉरी 9 रेड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, रेड ब्लैक ब्लैक रेड रेड की सीरीज चल रही है। यहाँ पर मैंने फिर ब्लैक आया यहाँ पर 28, तो इसको तोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर रेड पे लगाया था और मेरी बेट ये पास गई। अब यहाँ पर मैंने फिर से रेड पे लगाया मुझे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट फॉर्म करना था। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ब्लैक रेड रेड फिर रेड के लिए मैंने यहाँ पर बेट लगाया। ठीक है, इसके बाद आगे जो बेट है मैंने लगाई है, वो बहुत बड़ी बड़ी बेट है। अब कुछ लोग इसको देख कर कमेंट करेंगे, मुझे पता है, ऑब्वियसली बात है, कमेंट तो आएंगे ही कि सर आपने इतनी बड़ी बैट क्यों लगाई, ये तो बहुत बड़ा रिस्क लिया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर वो बैट चली जाती तो आप क्या करते। ये सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, आप सब आएंगे। देखिए दोस्तों, सबका अपना खेलने का तरीका है, सबका अपना एक्सपीरियंस है। जिसको जहाँ एक्सपीरियंस है वो वहाँ पर बड़ी बैट ले सकता है, ऑब्वियसली बात है ना। अब मैंने यहाँ पर 80,000 का प्रॉफिट करा इस वीडियो के अंदर। अब अगर मुझे एक्सपीरियंस नहीं होता तो मैं इतनी बड़ी बैट नहीं लेता, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जो मैंने बैट ले रहा हूँ ना, मैं सोच समझ कर ले रहा हूँ, आँख बंद करके मैंने बैट नहीं लगाई। तीसरी चीज़ ये कि जो मेरा 20,000 रुपये है वो मेरा एक प्रॉफिट का अमाउंट था। अगर ये मेरा चला भी जाता तो मुझे कोई रिस्क नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एज ए इन्जॉयमेंट के लिए मैंने ये 20,000 को डाला था, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, मुझे डर नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि मेरे पास कोई लोन का बर्डन नहीं है, कोई किसी चीज़ का बर्डन नहीं है, और मैं कभी लोन लेके गेम नहीं खेलता हूँ, किसी से उधार लेके गेम नहीं खेलता हूँ, समझ रहे मेरी बात। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने रिस्क ज़्यादा लिया, रिस्क लिया तो मुझे रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिला। ठीक है, ऐसा नहीं हर बार मैं ऐसे ही खेलता हूँ, कभी कभी आपका अगर मूड बनता है तो आप खेल सकते हैं। अभी मैंने बीच में मोनोपोली बिग बॉलर एक गेम है वो भी खेला, उसका भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उसको भी मैं डालूँगा, वो मैंने एंटरटेनमेंट के लिए खेला है। मेरी बात समझ रहे, जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट का हिस्सा हम खेल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो बैट लगाई है, अब चलिए बैट के ऊपर बात करते हैं कि मैंने बैट क्यों लगाया। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आता है अपना कि मैंने बैट क्यों लगाया। अब देखिए मैंने यहाँ पर रेड पे बैट लगाया। अब रेड पे मैंने बैट क्यों लगाया है, पीछे की सीरीज़ देखिए, पीछे की सीरीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि यहाँ पर रेड को रेड रेड जो आई थी, रेड को मुझे लगाना था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, रेड यहाँ पर फेल हो गया। अब मैंने यहाँ पर ये जो पीछे की चीज़ें हैं वो सोच के लगाया था, लेकिन वो मेरा लॉस हो गया। अब फिर से वापस से मैंने ब्लैक पे लगाया। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लैक पे क्यों लगाया, फिर से ब्रैकेट फॉर्म के लिए, लेकिन पीछे का जो सिनेरियो था, पीछे का सिनेरियो देख सकते हो 35 के बाद 26 के बाद, कि यहाँ पर मुझे लगा कि रेड ज़रूर ऑब्वियसली मारना चाहिए इसको, लेकिन यहाँ पर इसने नहीं मारा। फिर मैंने यहाँ पर ब्लैक पे लगाया क्योंकि ब्रैकेट फॉर्म करना था। अब देखिए ब्रैकेट फॉर्म हो गया यहाँ पर, ब्रैकेट फॉर्म होने के बाद आगे मैंने क्या करा, देखो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ करा है मैंने वही चीज़ यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने रेड पे बैट लगाया। अब मैंने यहाँ पर रेड पे क्यों बैट लगाया, क्योंकि यहाँ पर वही सेम चीज़ ब्रैकेट बनाना था मुझे, रेड ब्लैक ब्लैक रेड, ऑब्वियसली बात है ना, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इस चीज़ में। लेकिन यहाँ पर मेरा क्या हो गया, यहाँ पर मेरा लॉस हो गया और ये ब्रैकेट फॉर्म नहीं हुआ। अब यहाँ पर मैंने फिर से मैंने रेड पे ही लगाया। अब मैंने यहाँ पर रेड पे क्यों लगाया, और मैंने टोटल पूरा बैंक रोल लगाया। मैंने यहाँ पर रेड इसलिए लगाया दोस्तों, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पीछे की सीरीज़ में देखिए, पीछे की सीरीज़ में क्या हुआ है, आप देखिए यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अब पीछे की सीरीज़ देखिए, पीछे की सीरीज़ में ब्लैक 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 26 29 24, फिर क्या आया यहाँ पर रेड, फिर आ गया 10 17 29, फिर क्या आ गया यहाँ पर रेड। ये जो सीरीज़ है इसने क्या करा, कंटिन्यू, ये जो गेम है ना, ये इसको इसी तरीके से समझना है आपको। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ मैंने क्या करा यहाँ पर, देखिए 27 रेड है, 26 ब्लैक है, 29 ब्लैक है, 24 ब्लैक है, ठीक है, फिर उसके बाद 18 रेड आ गया, फिर उसके बाद
10 ब्लैक, फिर 17 ब्लैक, फिर 29 ब्लैक, फिर यहाँ पर रेड आ गया। तो ये क्या सीरीज लेके चला इसने, रेड रेड रेड, ब्लैक ब्लैक रेड, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ठीक है, आप थोड़ा गेम को समझेंगे ना तो गेम खुद समझ में आने लग जाएगा आपको। अभी यहाँ पर मेरा दो बार लगातार लॉस हो गया। मैंने यहाँ पर किस लिए लगाया था, मैंने ब्लैक पे ही लगाया था लेकिन ब्लैक मेरा यहाँ पर लॉस हो गया। अब मैंने यहाँ पर जो बैट लगाई है वो मैंने टोटल पूरा बैलेंस लगा दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने रेड पे ही लगाया। मैं रेड पे क्यों सो रहा हूँ, क्योंकि रेड की जो सीरीज चल रही है, रेड 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 की सीरीज कंटिन्यू यहाँ पर लेने की संभावना 99% था। तो मैंने इसलिए यहाँ पर क्या करा, मैंने फिर से रेड पे ही लगाया। ठीक है, जब आपको कंफर्मेशन मिल जाती है किसी भी चीज़ की कि यहाँ पर ये चीज़ होने की संभावना ज़्यादा है, तो आप ऑटोमेटिकली बैट लगाना चालू कर देंगे, आप प्रॉफिट भी करना चालू कर देंगे। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कौन से नंबर्स ज़्यादातर आ रखे, स्टैटिक्स में भी जाके मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर कौन से नंबर्स ज़्यादा आ रखे। अब देखिए यहाँ पर 4 आ गया। अब यहाँ पर मैंने बहुत बड़ी बैट ली है। अब मैंने ये बड़ी बैट क्यों ली है दोस्तों, क्यों ली होगी आप सोचिए, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। मैंने इतनी बड़ी बैट क्यों इसलिए ली है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, रेड 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 रेड, चार बार रेड, पहले तीन बार आया फिर चार बार आया, चार बार आने के बाद फिर इसने ब्लैक दे दिया। ठीक है, ब्लैक देने के बाद एक कंटिन्यू था कि मुझे कन्फर्म था कि ब्लैक पे ही मारेगा, और यहाँ पर मेरा क्या हो गया, यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हो गया।